मांडवी में है आई नदी दंती बीज है इसको जमाल गोटा बीज भी कहते हैं जमाल गोटा भी कहते हैं। नवसारी में 500 ग्राम मंगाया है बेमोटा झाड़ से। पारा कायम करने के लिए उसका तेल निकालने के लिए ये बीज उपयोग में लेना है उसको दंती बीज भी कहते हैं। नवसारी प्रैक्टिस माटे 5 वर्ष जो जमाल गोटा भी कहते हैं। देखो इसका बीज कैसा है इसके ऊपर की साल निकाल कर मींज निकाल रहे है ऊपर की फोतरी निकाल कर मींज है उसका। ये मींज को गंधक के साथ खरल करके तेल निकालना है। ये दंती बीज का ऊपर की सोतली काट रहे है नीचे एक लीसा पत्थर रखकर ऊपर दूसरे पत्थर से दोनों को पत्थर के बीच में घिस कर इसी तरीके से ऊपर लपटोगे तो ऊपर की सोतली आपो आप निकल जाती है और दंती बीज का ये मीज निकल रहा है। ये दंती बीज का मीज है पोतरी निकाला हुआ। दंती बीज ना ऊपर ना सोतला निकाल है तो 312 ग्राम अंदर का मीज मिला है। दंती बीज का सोतला निकाला तो 312 ग्राम अंदर का मीज मिला है। अब उनको ये वजन से आधा गंधक लेना है यानी कि 150 ग्राम गंधक लेकर और ये दोनों को मिक्सर में डालकर पाउडर बना देते हैं। बाद में उनको खरल करना है। खरल करके उनको गोली बाल कर छना समान गोली बनाकर उनको वालुका यंत्र और पाताल यंत्र में चढ़ाकर उनका तेल पातन करना है। खरल हो गया है गंधक और दंती बीज दोनों। कोई तीसरी चीज इसमें मिलाने की जरूरत नहीं है। मिक्सर में डालते हैं तो बिल्कुल गारा जैसा निकलता है कीचड़ जैसा हो जाता है। डायरेक्ट ही उनको गोली ऐसे वाल देनी है ऐसी गोली बना देनी है। शायद गोली ना बने तो थोड़ा नींबू का रस बिल्कुल मामूली नींबू का रस गोली वाले इतना डालने का है और गोली बाल कर उनको सुखा देना है। सुखा कर बाद में ही उनको वालू का यंत्र में चढ़ाना है पाताल यंत्र में चढ़ाकर उनका तेल खींचना है। अब ये दंती बीज का चूर्ण और गंधक की गोलियों बनकर तैयार है सूख गई है। थोड़ी क्षेत्रफल में थोड़ी बड़ी हुई है लेकिन दूसरों के हस्ते काम लेना है तो बड़ी भी थोड़ी इधर उधर चलाना पड़ता है। अब इस गोली को इसमें डालकर भर दो। ये भर जावे बाद में उनको मुख मुद्रा करनी है लेकिन कैसी करनी है काने वाली मुख मुद्रा करनी है जो जाली होती है अपने चाय गाने की जाली होती है ना ऐसी छोटी काने वाली जाली को लेकर ऊपर से बांध देना है। जब बन जाएंगे तब ऊपर से चारों तरफ से उनको तार बीट देंगे। तार इसलिए बीटना पड़ता है कि यहाँ से निकल नहीं जावे इसलिए तार बीट देंगे तो पैक हो जाएंगे और वो जाली में से आपो आप जैसे जैसे अंदर का तेल द्रव्य अंदर का बफारा मिलने से अलग होता जाएगा ऐसे ऐसे तेल पातन होता जाता है।
देखो अब ऐसी जाड़ी बांधनी है, देखो चारों तरफ काना काना ही है। जो चाय गाड़ते हैं, हम चाय बनाते हैं तो चाय गाड़ने की गाड़नी होती है, इसकी जाड़ी है। इसकी जाड़ी ऐसे रख देनी है, फिट हो गई है। देखो अब कहीं से भी अंदर का द्रव्य निकलेगा नहीं, सिर्फ प्रवाही तेल ही निकलेगा। और उसको ऐसे एक तार बांध देना है, तार बांध कर यहाँ लपेट देना है, क्योंकि जाड़ी अंदर का दबाव होने से गिर ना जावे, इसलिए तार बांधने से वो सेफ्टी रहेगी। देखो अब अंदर गोली अब सब भर गई है, तार बांध दिया है, इसी तरीके से जाड़ी अंदर के दबाव से निकल नहीं पड़े, इसी तरीके से तार बांध दिया है। ये पानी की बोतल है, जो हम पानी की बोतल ठंडा रखने के लिए रखते हैं, यही बोतल मैंने पाताल यंत्र के लिए उपयोग में लिया है। अभी थोड़ी गोली बची है, उनको दोबारा तेल खींच लेंगे, अभी उनको वालू का यंत्र में चढ़ा देते हैं, बाद में उनको ये द्रव्य की तब तेल पातन हो जाएंगे, बाद में दूसरी बार ये गोली भरकर उनको तेल खींच लेंगे। अब ये नीचे का बीकर बराबर सेंट्रल में लेकर सेटिंग कर दिया है। अब ये द्रव्य भरा हुआ, गोलियों से द्रव्य भरा हुआ रखते हैं इसमें। अब कंप्लीट हो गया। अब इसके एक पत्रा रख देते हैं ताकि दोनों तरफ इसमें रेती भरा जाए। अब उसमें रेती भरते हैं, इसी तरीके से कंप्लीट रेती भर दो। संपूर्ण ढक जाना चाहिए, देखो संपूर्ण ढक गया है बिल्कुल। अब उनको उपले की अग्नि देनी है चारों तरफ, पहले डेढ़ घंटे की डेढ़ किले की अग्नि देते हैं, डेढ़ किले की ही अग्नि देंगे, तब वो गर्म होगा पाताल यंत्र, बाद में दूसरी बार डेढ़ किले की अग्नि देंगे तो तेल पातन होने लगेगा।